प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 10 हिंदी, शीर्षक है चींटी, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और रीता से है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या है बताया था पिछले वीडियो में, कक्षा 12 के वीडियो में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गुसाई दत्त, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला, रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए देखेंगे आप, चींटी को देखा कब प्रश्न करता है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात। पिपीलिका माने चींटी, देखो ना किस भांति काम करती है वह, सतत कन 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 के चुनती अविरत। प्यारे बच्चों, इस शीर्षक में कवि सुमित्रानंदन पंत ने एक छोटी सी प्राणी चींटी का बहुत ही मार्मिक ढंग से उल्लेख किया है कि चींटी एक छोटी सी प्राणी है लेकिन जीवटता से परिपूर्ण है। जीवटता से परिपूर्ण है, चींटी के माध्यम से एक शिक्षा हमें आपको दिए हैं पंत जी कि चींटी तो बहुत छोटी सी प्राणी है लेकिन हम आप इतने बड़े होकर के भी हम काम करने से जी चुराते हैं, कतराते हैं, भागते हैं, हमें वह जीवटता नजर नहीं आती जो चींटी में नजर आती है। और कहते हैं कि उसे जब आप देखेंगे तो काले जैसे काला धागा हिल डुल रहा हो, ऐसे पंक्तिबद्ध होकर के चींटियां चलती हैं तो प्रतीत होता है। और काले धागे सी प्रतीत होती हैं और भूरे बादल की भूरे बालों की कतरन जैसी प्रतीत होती हैं, लगती हैं, दिखती हैं। और दुश्मन से भी लड़ने में तनी डरती नहीं है ऐसे। अब देखेंगे आप जरा शुरू से, चींटी को देखा कब प्रश्न करता है कि क्या आपने चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा। चींटी जो है जैसे काली रेखा हो, विरल माने जिसे हम बीडर कहते हैं, जो घना ना हो। ठीक है, विरल काली रेखा जैसी दिखती है, तमके धागे सी जो हिलजुल, तम माने तो अंधेरा होता है लेकिन यहां तम का तात्पर्य काले से। ठीक है, काले धागे सी प्रतीत होती है चींटी, तम के धागे सी उपमा अलंकार, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात। जो अपने छोटे छोटे पैरों से चल रही है ना, वह चींटियों की पंक्तियां हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत। कब कहता है कि आप ध्यान से देखिए, वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है, काम करती है। और निरंतर काम करने का मतलब होता है कि छोटे छोटे अब दाने के किनके को, कण को वह चुनती रहती है, स्वतः भोजन करती है, अपने परिवार को भी भोजन कराती है। नीचे आपको मिलेगा, प्राण शास्त्रियों ने बताया है कि चींटियां एक नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं। अब देखेंगे, कण 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 के चुनती अविरत, छोटे छोटे कणों को चुनती रहती है, बिना रुके बिना थके चलती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों में भी गायें होती हैं और उन गायों को, उन चींटी गायों को चींटियां ही चराती हैं। गाय चराती है, चींटियां क्या करती हैं, गाय को चराती हैं। कौन सी गाय, चींटियों में भी गाय होती हैं। ऐसा मत समझना कि हमारी आपकी जो गाय उसे चींटियां चराती हैं, ऐसे मत समझ लेना। धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, बच्चों को धूप दिखाती हैं और बच्चों की निगरानी करती हैं। लड़ती अर से तनिक न डरती, दुश्मनों से लड़ने में तनिक भी डरती नहीं। आपने देखा होगा तनिक भी चींटी को दवाइए देखिए तुरंत पलट करके काट लेती है, दुश्मन से डरती नहीं है, जम करके लड़ती है, प्रतिकार करती है,
दल के दल सेना स्वार्थी, उसके उसके दल में बहुत बहुत से सैनिक हैं। चींटियों की पंक्ति को आप देखिए, उसमें बहुत सी चींटियां रहती हैं, उसी को कवि ने सैनिक कहा। ठीक है, चींटियों के दल में बहुत से सैनिक चींटियां हैं, और घर आंगन जनपद गुहारती, घर आंगन और जनपद माने रास्ता पथ, घर आंगन को पथ को चींटियां साफ करती, गुहारना माने साफ करना। ठीक है, और चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी को कवि ने एक सामाजिक प्राणी स्वीकार किया है, और वह श्रमजीवी, श्रमजीवी माने जो अपने श्रम पर जीवन यापन करे, जो अपने श्रम से जीवन यापन करे उसे कहते हैं श्रमजीवी। तो चींटियां क्या है, श्रमजीवी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस। ठीक है, तो चींटियां जो है सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी हैं, और सुनागरिक और सभ्य नागरिक भी हैं। देखा चींटी को, कप्रंत करता है, चींटी को क्या आपने देखा, उसके जी को देखता देखा, उसकी जीवटता को देखा आपने, भूरे बालों की सी कतरन, उपमालंकार, भूरे बालों की कतरन जैसे होती है ना, वैसे चींटियों की पंक्ति है, और छिपा नहीं उसका छोटापन। वह प्राणी छोटी तो है जरूर, लेकिन उसका छोटापन छिपा नहीं है। क्यों कि जहां हम आप नहीं जा सकते ना, चींटियां वहां चली जाती। पहाड़ों पर देखेंगे तो चींटियां चढ़ जाती हैं, पेड़ की ऊपर की डालियों में, एकदम जो सबसे ऊपर की डाली है ना, उस पर देखेंगे तो चींटियां वहां भी आपको मिल जाएंगी। इसलिए कवि ने कहा छिपा नहीं उसका छोटापन, वह छोटी है लेकिन ऐसा नहीं कि वह नजर में आए छोटी है, हर हर जगह आपको नजर आएगी, वह दिखेगी। छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। कवि कहता है कि निडर होकर के, भय रहित होकर के, समस्त मही तल पर, पृथ्वी तल पर घूमती फिरती है, विचरण करती है, वह किसी से डरती नहीं है, श्रम में तन्मय और अपने परिश्रम में हमेशा लगी रहती है, बड़ी तन्मयता के साथ लगी रहती है। वह जीवन की चिनगी अच्छय, वह जीवन की नष्ट न होने वाली चिंगारी है। चींटियां क्या है, कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है, और वह भी क्या देही है तिलसी। कब कहता है कि तिलसी माने बहुत छोटी सी, उसकी शरीर कैसी, बहुत छोटी सी, तिल तिल जैसी छोटी सी है, प्राणों की रिमिल झिलमिल सी, और प्राणों की जीवटता है उसमें, और दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह हमें, आपको कहीं जाना होता है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाड़ी चलाना जानते हैं, वो भी बाइक ढूंढते हैं, कहीं जाना है ना, खेत में काम हो रहा है तो चाय दे रहा है तो गाड़ी लेके जाओ, अगर नहीं गाड़ी है तो साइकिल लेके जाओ। हम वहां पैदल नहीं जाना चाहते, लेकिन कब कहता है दिन भर में वह मीलों चलती, छोटे छोटे कदमों से मीलों के राह को नाप लेती है, अथक कार्य से कभी न डरती टलती। वह अथक कार्य करती है, कभी थकती नहीं, अपने कार्य को टालती नहीं। अथक, अथक माने जो थके न, वह थकती भी नहीं है, चींटी जो है थकती भी नहीं, और अपने कार्य में जुटी रहती है। देखिए बहुत छोटा सा शीर्षक है बच्चों, एक बार आप देख लेंगे तो ध्यान में बैठ जाएगा। और जो चंद्रलोक में प्रथम बार है ना शीर्षक पंत जी का, वह कट गया है, इस साल वह आपको पढ़ना नहीं है। चलिए बस आज का वीडियो बस यहीं तक।